ठीक है, इसमें दो मात्रा है, आधी और बड़ी। तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सी किस में मिलानी है? तो यहाँ पे देखो प्लस लिखा है ना, तो हम लोग ये कैसे करेंगे, पहले ह है तो यहाँ पे हम लोग ह लिखेंगे, फिर आपकी मात्रा है तो आपकी मात्रा लगाएंगे, फिर थ है तो थ लिखेंगे, फिर बड़ी की मात्रा है तो वो थ में लगेगी। ठीक है, तो हमारा वर्ड बन गया, ह में आपकी मात्रा हा, थ में बड़ी की मात्रा थी, हाँ थी। ठीक है, इस तरह से वर्ड बनाने हमें। सेकंड देखो, पहले क्या लिखा है, र, फिर उसमें आ की मात्रा, फिर ज, फिर उसमें आ की मात्रा। तो ये देखिए वर्ड बन गया, र में आ की मात्रा रा, ज में आ की मात्रा जा, राजा। फिर थर्ड में देखिए, ये इसमें देखो पहले यहाँ पे वर्ण थे, यहाँ पे कोई वर्ण नहीं, डायरेक्ट मात्रा है। ये कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, तो हम लोग वैसे ही लिख देंगे पहले छोटी की मात्रा। फिर कौन सा आता है, क, तो ये छोटी की मात्रा जो है वो क में प्लस होगी, क में छोटी की मात्रा की। फिर क्या है, र, तो र लिख देंगे। फिर क्या है, अड़, तो अड़ लिख देंगे। तो हमारा वर्ड बना किरण। ठीक है, फिर फोर्थ में देखिए म, फिर ये कौन सी मात्रा है, आई की। ठीक है, म में आई की मात्रा मई। फिर द, द में आ की मात्रा दा। फिर न, मैदान। ठीक है, फिर देखो फिफ्थ में क, फिर ओ की मात्रा है, क में प्लस करेंगे ओ की मात्रा को। फिर य, फिर ल, कोयल। ठीक है, प में औ की मात्रा पऊ, फिर ध में आ की मात्रा धा, पौधा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये छोटी की मात्रा है तो ये पहले लिखेंगे, फिर त, तो हो गया त में छोटी की मात्रा ती, फिर र में अंग की मात्रा अनुस्वार ती रंग, फिर ग में आ की मात्रा गा, ती रंगा। ठीक है, फिर ग में ये कौन सी मात्रा है, छोटा उ। ठीक है, ग में छोटा उ की मात्रा गु, फिर ल में आ की मात्रा ला, फिर ब, गुलाब। ये हमारा वर्ड बन गया। इसी तरह से आपको सारी मात्राएं जोड़ जोड़ के हमें वर्ड बनाने हैं। देखो यहाँ पे प, फिर ये कौन सी मात्रा है, बड़ी उ, दीर्घ उ की है ना, प में उ की मात्रा गु, फिर ज में आ की मात्रा जा, पूजा। फिर यहाँ पे देखो म, इसमें एक भी मात्रा नहीं है। ठीक है, फिर छ, इसमें भी मात्रा नहीं है, मात्रा नहीं है मतलब इसमें अ पहले से ही ऐड है। फिर ल में बड़ी की मात्रा ली, मछली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10 किए हैं, उसी तरह से आपको आगे 11 से लेकर 20 तक खुद से होमवर्क में करने। इसी तरह से देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मात्रा है तो ये पहले लिखेंगे, फिर ये है तो उसके साथ ये ज्वाइंट कर देंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर हमारा वर्ड बनेगा कि स में छोटी की मात्रा सी वम। ठीक है, तो यहाँ पे सिवम आएगा। उसी तरह से यहाँ पे प्लस जो है वो निकाल निकाल के हमें लिख देना है। यहाँ पे देखो एक भी मात्रा नहीं है, पहले उ लिखना है, फिर ब लिखना है, फिर ब लिखना है, फिर न लिखना है, तो हमारा वर्ड बन जाएगा उपवन। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ पढ़ के बोल बोल के सारे 20 तक अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में